देखिए, आज हमारा प्रथम दिन था और जब दादाजी सुबह 8 बजे यहाँ से निकले थे तो उसके पहले हमने सारे बेसलाइन टेस्ट किए थे, उनका शुगर, बीपी, SpO2 सब मॉनिटर किया था और दिन भर हमारे डॉक्टर उनके साथ थे, एम्बुलेंस हमारे साथ थी, डॉक्टर हमारे साथ था। हम हर 4 घंटे में 2 घंटे में और उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और SpO2 और पल्स लेते थे। तो पूरी यात्रा के दौरान जो 30 किलोमीटर आज उन्होंने यात्रा की है, पूरी यात्रा के दौरान कहीं कोई ऐसा पैरामीटर डिस्टर्ब नहीं हुआ या लो हाई नहीं हुआ जिसकी वजह से ऐसा लगे कि क्यों ऐसा हो रहा है या ऐसा क्या, क्योंकि दादाजी ने कुछ ग्रांड भी नहीं किया। दिन भर 24 आवर्स में उन्होंने केवल 100 ml हमारे सामने पानी पिया था। क्या यह संभव है? संभव तो नहीं है, ml में। हाँ, असंभव सी बात है। 100 ml में आदमी 42 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 किलोमीटर अगर पैदल चल रहे हैं तो इतनी स्वेटिंग होगी और इतना डिहाइड्रेशन होगा, वो भी दादाजी को नहीं है, तो एक बड़ी अचंभे की बात है। वो भी तब जब वो 42 माह से सिर्फ जल ले। हाँ, वो भी वही कि जब 42 माह से सिर्फ जल पे ही है वो, और 83 दिन से उन्होंने कुछ हार्ड सॉलिड फूड कुछ लिया भी कुछ नहीं, नहीं तो ये आश्चर्य की बात। हम भी अचंभित है, सारा मेडिकल साइंस अचंभित है। उसको ही हम प्रूव करने के लिए हम पूरी कोशिश करें 7 दिन तक दादाजी का हम रोज यही टेस्ट किया। अभी फिर हमने सैंपल लिया है, ब्लड सैंपल, और उसको अभी फिर हमने लैब में भेजा है, तो हम कंपेयर करते जाएंगे कि सुबह का, दोपहर का और शाम का, तो इस तरीके से हम कंपेयर करते जाएंगे, जो आपको रिपोर्ट होगी 7 दिन में सबमिट मिल जाएगी। तो मेडिकल साइंस क्या कहता है इस बारे में? देखिए, मेडिकल साइंस तो ये मान नहीं सकता। मेडिकल साइंस में एक रिपोर्ट मुझे याद है, मैंने जो देखी है वो 341 डेज की है, समवेयर इन स्वीडन और डेनमार्क समवेयर। तो दैट फेलो वॉज ऑन लिक्विड डाइट, ही वाजंट ऑन द सॉलिड डाइट, ही वॉज ऑन लिक्विड डाइट एंड ही सर्वाइव फॉर 341 डेज। तो वो एक जो रिपोर्ट है वो थोड़ी हमने सामने है, पर दादाजी का थोड़ा सा डिफरेंट सीनेरियो है। एक तो वो वॉक करते हैं, नंबर वन, दूसरा वो सिर्फ 100 ml या 200 ml जितना भी पानी लेते हैं। तो ये दो चीजें थोड़ी वो है कि जो और एक्स्ट्रा उनको, मतलब कहना चाहिए कि एनर्जी कहाँ से आती है। वो ये कहते हैं कि मुझे नेचर से मिलती है, वो ये कहते हैं मुझे नर्मदा जल से एनर्जी मिलती है, मुझे पेड़ों से मिलती है, मुझे वायु से मिलती है। तो अब मिलती है, अब हो सकता है कि उनको मिलती हो, लेकिन अभी साइंस में तो प्रूव ऐसा हम लोग अभी तक तो कर नहीं पाए। तो दादा गुरु यही प्रूव करने के लिए तो यह परीक्षण करवा, वही तो हम कर रहे हैं, हम भी वही कोशिश कर रहे हैं जी। वही हम कोशिश कर रहे हैं। तो पहले दिन का रिजल्ट से आपको क्या लगता? अभी तो ठीक है, रिजल्ट मतलब नॉर्मली है कि हाँ, मतलब ऐसे कोई बहुत सारी अभी समस्या भी हमें कुछ हमारी जो इन्वेस्टिगेशन और जांच के दौरान जो वो कुछ ऐसा सामने नहीं आया, बल्कि हमें लगता है कि एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर अगर अभी जो चल के आए हैं दादा के साथ उनका लिया जाए तो उनका कुछ गड़बड़ हो सकता है। उनके साथ जो दो पुलिस वाले थे, मेरी उनसे भी बात हुई है, जी जी। वो उनके साथ भी थे, उनके साथ भी थे, तो वो बेचारे मुझे, हम लोग थक गए पानी पी के, हमको पसीना आता था, दादाजी को पसीना भी नहीं आता था। तो नेचुरली जब स्वेटिंग नहीं होगा तो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन भी कम हो गया।